दोस्तों, साल 2020 हम इंडियन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेकार गया है। सबसे पहले CAA की लड़ाई झगड़े, फिर कोरोना वायरस का कहर, फिर लॉकडाउन, फिर कोई सेलिब्रिटी की मौत, फिर टिकटॉक बैन, और अब पबजी खेलने वालों के लिए भी बुरी खबर आई है। अब पबजी गेम को इंडिया में बैन कर दिया गया है। जो लोग पबजी गेम खेला करते थे उन लोगों को अब नींद भी नहीं आ रही होगी, क्योंकि काफ़ी लोग का यूट्यूब चैनल पबजी गेम से ही चलता था। काफ़ी लोग पबजी गेम से पैसा भी कमाते थे। काफ़ी लोग पबजी गेम को खेलकर लाइव स्ट्रीम वीडियो बनाया करते थे, जैसे कि मिस्टर कैरी मिनाती। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमारी भारत सरकार ने ये डिसीजन लिया है तो कुछ सोच समझ कर लिया होगा। और जब भारत सरकार की बात हो तो ये छोटे मोटे ऐप्स की कोई मायने नहीं रखते। पबजी गेम के साथ 117 ऐप्स और हैं जिन्हें भारत सरकार ने बैन कर दिया है। इनमें सबसे पॉपुलर ऐप्स पबजी गेम ही था, लेकिन आज के बाद इंडिया में पबजी गेम खेला नहीं जाएगा। पबजी गेम से काफ़ी लोगों का टाइम ख़राब हो रहा था। ये गेम एक एडिक्शन की तरह काम करता है। अगर कोई रात में पबजी गेम खेलता है तो सुबह कब हो जाती है यूजर को इसका पता ही नहीं चलता। इस गेम को खेलने की एक बुरी आदत सी बनती जा रही थी। दोस्तों, कुछ समय पहले पबजी गेम की तरह ही भारत सरकार ने टिकटॉक समेत 58 ऐप्स को भी बंद किया था, जो यूज़र का डाटा चुरा रहे थे। और अब भारत सरकार ने पबजी गेम को भी बैन कर दिया है। लेकिन पबजी गेम जो भी था, जैसा भी था, काफ़ी कमाल का ऐप्स था। दोस्तों, पबजी गेम से आपको क्या फ़ायदा हुआ था और क्या नुकसान हुआ था, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक और नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।